हूँ मैं डॉक्टर सुनीता। आज का जो टॉपिक है इज रिलेटेड टू बॉडी का रिएक्शन और स्किन इन्फेक्शन। इसके बीच में डिफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। बॉडी का रिएक्शन होता है जब आपकी स्लीक करेक्ट नहीं होती, डाइट करेक्ट नहीं होती, आपका हाइजीन मेंटेनेंस करेक्ट नहीं होता, आपके प्रोडक्ट्स ठीक नहीं होते, तो आपके फेस पे एक दो बॉयल्स निकलते रहते हैं। ड्यू टू हीट ऑल्सो ये होता है कि एक दो बॉयल्स आपको दिखते हैं, ठीक है। कई बार सेंसिटिव स्किन के ऊपर जल्दी ही प्रोन दिखता है ये चीज़, अदरवाइज स्किन के ऊपर ये आ जाता है अगर आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं है तो। स्लीप ठीक नहीं है मान लीजिए तो भी होगा, ठीक है। डिप्रेवेशन ऑफ स्लीप है तो भी होगा। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खाया जैसे शराब पी ली या फिर कुछ बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ या बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ खा ली है जैसे कि चिकन वगैरह, तो भी फेस पर निकल जाते हैं। तो ये आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है। स्किन इन्फेक्शन होता है जब आपकी बॉडी में हार्मोनल कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं या फिर ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो आपका एक्ने और पिंपल निकालता है और वो बहुत सारे अमाउंट में निकलता है या फिर रिपीटेडली निकालता रहता है। तो ये आपके स्किन का इन्फेक्शन होता है और आपके हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसके पीछे भी पॉजिटिव फैक्टर होते हैं जो कि करेक्ट करने होते हैं। जब हम केस टेकिंग करते हैं तो पता चलता है जो भी, तो उसको करेक्ट किया जाता है। बट मेरे को ये बताना था कि जो बॉडी रिएक्शन होता है वो होता है एक्यूट फेज में, और जो स्किन इन्फेक्शन होता है वो होता है क्रॉनिक फेज में, जिसके लिए आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी है। जो ये होता है हमारा बॉडी रिएक्शन होता है, इसमें आप अगर जनरल मैनेजमेंट कर लेते हो, अपनी स्लिप ठीक कर लेते हो, हाइजीन मेंटेनेंस कर लेते हो, डाइट करेक्ट कर लेते हो, फेस को धोते रहते हैं, और अगर स्लीप डेप्रिवेशन है तो स्लीप प्रॉपर लेने लग जाते हो, तो समहाउ आप इसको क्योर कर लेते हो, जो कि बॉडी रिएक्शन होता है। क्योंकि बॉडी हमें खुद ही अलर्ट और रेड फ्लैग्स दिखाती है इसमें, ठीक है। तो आपकी बॉडी को पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है, ठीक है। बट जो स्किन इन्फेक्शन होता है उसके अंदर मैनेजमेंट के साथ साथ आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ब्लड का प्रॉब्लम है और हार्मोनल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है। अगर बॉडी आपको आपके फेस पे एक दो बॉयल्स निकल रहे हैं और बहुत ड्यूरेशन में निकल रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ आपके जनरल मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि आपका लाइफस्टाइल कुछ प्रॉपर नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ आप गड़बड़ी कर रहे हैं। और जो स्किन इन्फेक्शन होता है प्रॉपर ब्लड का इन्फेक्शन होता है, या फिर जिसमें आपके ईसिनोफिल लिम्फोसाइट ये सब या तो बड़े होते हैं, कम होते हैं, या फिर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं। हार्मोन्स या तो ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, या किसी और प्रॉब्लम के साथ ग्रसित होते हैं, जैसे PCOD हो गया, थायराइड हो गया, या फिर कोई पॉजिटिव फैक्टर होगा पीछे, ठीक है। ये भी हो सकता है, कई बार ये कम्युनिकेबल भी होते हैं कि किसी और का टॉवल यूज़ कर रहे हैं आप, उससे हो रहे हैं, तो उसको भी तो हटाना ज़रूरी होता है। तो वो बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। स्किन इन्फेक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जो ये हमारा बॉडी रिएक्शन होता है ये एक्यूट फेज में होता है और ये क्योर हो जाता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपनी बॉडी की तरफ, तो ठीक है। या दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्प्रेड विद अदर्स। बाय, टेक केयर।